नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश बिहार टॉप 5 में, जिसमें हम आपको बताएंगे आज की बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से। दरअसल आपको बता दें कि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा टूट गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में लोजपा से निष्कासित डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने गुरुवार को नए मोर्चे के गठन का ऐलान कर दिया। यह मोर्चा लोजपा सेक्युलर के नाम से काम करेगा। डॉक्टर सत्यानंद ने मीडिया के समक्ष नए मोर्चे की घोषणा की और यह कहा कि लोजपा में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि लोजपा परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। लोजपा पार्टी में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस वजह से पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने नया मोर्चा बना लिया है। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद पशुपति कुमार पारस ने इस मोर्चे के गठन पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे डॉक्टर सत्यानंद को जमुई में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद 11 अप्रैल को लोजपा से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी की ओर से अखलाक अहमद ने लिखित रूप से उन्हें एक आशय का पत्र भेज दिया था। इसी तरह पार्टी के अन्य पदाधिकारी विशु पासवान व अन्य पदाधिकारियों को उनके स्तर से दल विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निकाल दिया गया था। पूर्व सांसद रामा सिंह तो खुलेआम पार्टी के खिलाफ काम करते रहे हैं। जमुई व हाजीपुर लोकसभा चुनाव में उनकी लोजपा प्रत्याशी के खिलाफ सक्रियता बड़े स्तर पर थी। खुद लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान इस बारे में सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। रामा सिंह तो पिछले एक वर्ष से पार्टी से अलग हैं। सत्यानंद शर्मा को लोजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया और बहुत कम मतों के अंतर से वह चुनाव हारे थे। इस बार एनडीए में वह सीट जदयू को चली गई थी। इस पर सत्यानंद शर्मा खफा चल रहे थे और एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ सक्रिय थे। विधानसभा चुनाव में लोजपा ने डॉक्टर सत्यानंद को दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया था, यह चुनाव भी हार गए थे। इस सीट से भाजपा के संजीव विधायक हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में यहां से भी उनका स्कोप नहीं है। आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर मद निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए कड़ी चेतावनी दी और कहा कि राज्य के 1064 थानों के थानेदार सरकार को लिखित गारंटी देंगे कि उनके इलाके में शराब नहीं बिकती है। गारंटी के बाद ही जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी वो वहां के थानेदार को 10 साल तक किसी भी थाने में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध उत्पाद व निबंध विभाग की समीक्षा करते हुए हर थानेदार से यह गारंटी लेने का आदेश दिया। कहा सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी शराब से दूर रहने की फिर से शपथ लेंगे। गारंटी के बाद ही जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी तो वहां के थानेदार को 10 साल तक किसी भी थाने में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए आईजी प्रोहिबिशन के तंत्र को भी प्रभावी बनाने की जरूरत है। अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वे कौन है उनका विश्लेषण कर सख्त कार्रवाई हो। शराब के अवैध धंधे में लिप्त बड़े कारोबारियों और सप्लायर्सों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा व अन्य राज्यों के लेबल लगाकर कहीं पड़ोसी राज्यों से बिहार में शराब तो नहीं भेजी जा रही, इस दिशा में ध्यान देना है तभी शराबबंदी अभियान पूरी तरह से सफल होगा। जो लोग अवैध शराब के धंधे में पकड़े जा रहे हैं वे पहले क्या करते थे या शराबबंदी से पहले जो शराब बेचने में लगे थे वे अब कौन सा काम कर रहे हैं, इन सभी तथ्यों पर जांच कर असरदार कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की ओर। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा फेल होता नजर आ रहा है। पूरे बिहार में महिला चिकित्सकों की भारी कमी है, आधी आबादी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र PHS हो या रेफरल सदर या मेडिकल कॉलेज या अन्य अस्पताल, सभी जगह महिला चिकित्सकों की भारी कमी है। महिलाएं पुरुष चिकित्सकों की देखरेख में प्रसव कराने को मजबूर हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 68% पद रिक्त हैं। राज्य में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के 533 पद स्वीकृत हैं, इसमें मात्र 167 ही कार्यरत हैं, 366 पद रिक्त हैं। दूसरी ओर राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की तैनाती की जाती है। इसके तहत राज्य में 127 महिला चिकित्सकों की जरूरत है। संविदा एवं नियुक्ति के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने 28 महिला चिकित्सकों का चयन किया था, लेकिन इनमें मात्र 48 ने ही योगदान दिया। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और खराब है। नालंदा के 13 अस्पतालों में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। पटना के PHC में ANM के भरोसे प्रसव सुविधा चल रही है। जिले में 23 PHC, 60 APHC और 4 अनुमंडल स्तरीय, 3 रेफरल और 1 जिला अस्पताल है। इसमें सिर्फ 77 महिला डॉक्टर हैं, जिसमें 14 विशेषज्ञ हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने बताया कि PHC में ANM ही प्रसव कराती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की ओर। बिहार बोर्ड ने गुरुवार को एकेडमी कैलेंडर जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एकेडमी कैलेंडर जारी करते हुए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रायोगिक परीक्षा की तारीख का भी कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के कार्यालय में एकेडमी कैलेंडर जारी करने के मौके पर अध्यक्ष आनंद किशोर के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
कैलेंडर जारी करते हुए कहा गया है कि 2020 में इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी या 13 फरवरी तक चलेगी। इसी तिथि के अंदर तीनों संकायों आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की परीक्षा होगी। वहीं 10 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षा होगी। इसी तरह 2020 में 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। यह परीक्षा 25 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 20 जनवरी से शुरू होगी और 22 जनवरी तक चलेगी। चलिए बात करते हैं आज की पांचवी बड़ी खबर की। शहर के बड़े व्यवसायी निशान सर्राफ के परिवार की संदिग्ध मौत की जांच पुलिस कर रही है। इस सस्पेंस सुसाइड को लेकर आपको अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने के दौरान 58 कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग, 3 मोबाइल फोन और 1 टैब दे सकता है। फॉरेंसिक की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो निशान सर्राफ ने अपनी पत्नी अलका, बेटी अनन्या, बेटे ईशान को गोली मारने और खुद को उड़ाने से पहले मोबाइल के सभी डाटा डिलीट कर दिया था। निशान के पास से एप्पल के 2 मोबाइल फोन और 1 टैब था, जबकि पत्नी के पास 1 मोबाइल था जिसे पुलिस ने कमरे में बरामद कर लिया है। जांच की टीम तीनों मोबाइलों और टैब के डेटा को रिकवर कर रही है। कुछ सफलता हाथ लगी है। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह 9:15 कोतावली थाना क्षेत्र के किदवाईपुर में रहने वाले अशोक सर्राफ के छोटे बेटे निशान सर्राफ, उनकी पत्नी अलका सर्राफ, बेटी अनन्या की लाश कमरे में बिस्तर पर मिली थी, जबकि 4 वर्षीय बेटा ईशांत गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। सभी को गोली मारी गई थी। मौके से पुलिस ने 30 mm के 4 खाली कारतूस और 1 लाइसेंसी पिस्टल और सुसाइड नोट बरामद किया था जिस पर निशान के हस्ताक्षर थे। सुसाइड नोट की लिखावट और अक्षर की जांच की जा रही है। वहीं पिस्टल को भी बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच टीम में शामिल सूत्रों का कहना है कि घटना के दिन सुबह से लेकर रात 9:45 तक निशान के मोबाइल से आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल मिलाकर कुल 42 कॉल हुए हैं, जबकि उनकी पत्नी के मोबाइल से 16 कॉल हुए हैं। पुलिस की टीम कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। निशान के मोबाइल पर घटना के दिन रात 9:45 के बाद कोई कॉल ना ही आई है और ना ही है। फॉरेंसिक टीम को मोबाइल में इक्के दुक्के नंबर ऐसे भी हाथ लगे हैं जिस पर घटना के दिन कुछ अंतराल के बाद 8 बार कॉल हुई है। पुलिस इस नंबर की तहकीकात कर रही है जो लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं। वहीं जांच के दौरान व्हाट्सएप की भी पड़ताल की जा रही है जिसमें कई नंबरों पर चैटिंग की गई है। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग, इस मर्डर मिस्ट्री, आत्महत्या या हत्या, गुत्थी सुलझा सकती है। बिहार में चमकी बुखार को लेकर तमाम अपडेट्स हम आपको हर रोज अपने इस प्रोग्राम में दे रहे हैं। हमने आपको अपने इस कार्यक्रम में इस बीमारी के कारण से लेकर बचाव तक की सारी जानकारी दी थी। आज आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में AEF का कहर अब तक जारी है। मरने वालों और पीड़ितों के आने का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। SKMCH में गुरुवार की सुबह 3 और बच्चों की मौत हो गई, वहीं 14 अन्य मरीजों को भी गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है। इस बीमारी से अब तक 64 बच्चों की मौत हो गई है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट पर। कल फिर हम हाजिर होंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। बाईस वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।